ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या टीएस रहेगा, एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम से, इसमें कोडेड रहेगा, कोडेड मेंशन करते हैं उसका हिसाब से, इसका एडमिन अप्रूवल नहीं रहेगा, लेकिन एडमिन अप्रूवल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेगा। और साइंस एंड वर्क है ना, साइंस एंड वर्क में एडमिन अप्रूवल रहेगा, इसमें कोडेड मेंशन नहीं करते, मेजर हेड माइनर हेड ही दे, मेजर माइनर हेड एडमिन अप्रूवल में, फिर उसको लिस्ट दिया ना उससे देख, फिर वहां से डेली क्रॉस चेक करना उसको, वहां से चाहिए मेजर हेड माइनर हेड। अभी देखो इसका कोड कहां से टैली कर रहे हैं, किससे, एक तीसरा वो भी हो गया ना सर, टीसी उससे वो दिया। वही पूछ रहा ना, अगर वो गलत लिखेंगे तो टर्म कॉन्ट्रैक्ट गलत दिए तो वो रेस्पॉन्सिबल। तीसरा टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया ना सर, इसमें है ना तीन, एक टीएस में एक सीए में तीन टीएस आए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तीन है कोडेड, तीन है 655-01 है, 655-02 है, 655-03 हाँ कुछ थ्री नहीं आएगा, टैरिफ है फोर में फाइव। देखो ये मालूम आपको, उसके बाद वैल्यू ऑफ वर्क डन 10% आ गया, उसके बाद एडमिन अप्रूवल हाँ। देखना है कोडेड अपन देख रहे हैं, उसके बाद ये एस्टिमेशन कास्ट है ना जी, 50 लाख पावर है ना, हाँ 50 लाख पावर है, मगर उसमें क्या होता है ना, वो लिखता है एनआईटी में, लिखता है एनआईटी में एस्टिमेशन कास्ट में 48 लाख ही लिखता है, हाँ 48 लाख ही लिखता है, मगर एक्चुअली उसका ज्यादा है। कैसा पता, कैसा पकड़ना है, वो गलत है, वो ये गलत बोल के कैसा पकड़ना है, ये गलत बोल कैसा पकड़ रहा है बोल, तो अपन को सीएसटी रहता ना, सीएसटी में एडमिन अप्रूवल रहे तो रहेगा, नहीं तो ब्लैंक रहेगा, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बोल के रहेगा, उसका नीचे टीएस टेक्निकल सैंक्शन का भी रहेगा, नंबर लेटर नंबर अमाउंट रहेगा, जो तीन है समझ लो, तीन का मिला के जोड़ के ऐड करके देखना है। ये जी का पावर है ना, जी का पावर टीएस का पावर, उसमें तीन मिला के ऐड कर रहे तो 51.2 लाख, 50.6 लाख, 52.4 लाख ऐसा, अच्छा 50 वो है, अगर वो उसमें लिखा है एनआईटी क्यों होता, अपन जनरली कोई भी क्या करता है एनआईटी को ही देखता है, इसको वो नहीं करते, ऐड यही फाइनल है, वो नहीं इससे लिंक करना, अभी 4-5 है आपका पावर में नहीं है, आप कैसा किए चीफ इंजीनियर का सैंक्शन लेके आओ बोल के, एक्सपोज फैक्टर सैंक्शन लेके आओ बोल के अपन लिख रहे हैं, अभी क्या होगा जीवी को, क्या होगा वो बम्बू देगा एकदम, चीफ देगा, देखो कैसा रहता बोले तो किसी की ज्यूरिडिक्शन में नहीं घुस सकते, उनको ज्यादा हर्ट होता है, ऑफिसर को ज्यादा होता है, अब ये है ना उसका जीए इसमें क्या आता है, सही जवाब नहीं है इनके पास में, जवाब नहीं है, जवाब नहीं, वो ये भी नहीं कह सकता मुझे मालूम नहीं, देना पड़ेगा मालूम नहीं तो इग्नोरेंस कैनॉट बी, ऐसे तो ही नहीं सकता ना मालूम नहीं, ये तो कोई वो नहीं है, पता करना है तो ठीक है सर, इसमें तो इसमें ये ये तो फिर ये तो हमने देखा नहीं अभी, तो ये वाली चीज तो कभी चेक ही नहीं की किसी में ही, इसका तो पता भी नहीं था ना कि एनआईटी को और जो सीएसटी वाला जो टीएस है उन दोनों के अमाउंट को टैली करना है, कुछ लेटर्स अपना जो लेटर गया समझ लो उससे बाप रे मैडम उसे थोड़ा जब तक देखो वो तुमको अपने पास टफ है बोल के नहीं मालूम रहता, वो डांस करते सिर पे आके डांस करेंगे बैठ के, वी शुड नॉट प्रोजेक्ट, अपन को अपने आप कभी भी कुछ भी नहीं मालूम बोल के प्रोजेक्ट ही नहीं करना है वो लोगों के सामने, ये और कोडेड है ना, 3-4 कोडेड रहता है, हां ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में टीएसी रहेगा,
एक टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में एडमिन अप्रूवल आएगा, एडमिन अप्रूवल में मेजर एंड माइनर एंड बोल के मेंशन करेगा, उससे अपन मेरे पास वो है वो सबको दे दूंगा, उससे कोडेड आ रहा है वो भी तो है ना सर, टर्म टीसी भी तो है ना, टर्म कॉन्ट्रैक्ट। हां या मैं सबको दे दूंगा वो कॉपी, इसमें सब तीन है भाई, एक 65506, एक 912-32-34 और एक 655 इसमें 10 लाख है, इसमें 20 लाख पीएस एडमिन अप्रूवल, इसमें 15 लाख, इतना 45 होता है। ये तीन है ना, अभी एक आपका केस में लिखे एसडी का, इसमें क्या हुआ बोले तो उसको उसमें 14 लाख था, 14.9 लाख था ऑलरेडी अपना, वो लोग क्या किए इसमें 19.06 बुक किए, इसमें ओनली 10% ही जा सकता है ना, 15 लाख 15 मानो, 15 का 10% मिले तो 1.5 16.5 ही होगा, ये अभी 19.06 बुक हुआ। अभी इसके लिए क्या करना है, रिवाइज एडमिन अप्रूवल वाला बिल्कुल अपन नहीं रोकते, पास करके अभी क्या है ना, 2 महीने के एक बार एक लेटर, तू ये गलत किया, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है बोल के लिखते रिमाइंड देते रिमाइंडर। अब ये है ना, अपन नेक्स्ट मंथ में सब डिविजन ऑडिट को जाएंगे, सब डिविजन ऑडिट नहीं कर रहे थे कभी तो गए के अंदर, ऐसे काम करने चाहिए थोड़ा, ऐसे पड़े पड़े फालतू काम करते थे, नहीं सब डिविजन जाएंगे जिसमें ऐसा लगे सब डिविजन ऑडिट से लगता है कि भाई ऑफिस है, बाकी यहां क्या है ऑडिटर है, ये लोगों का काम भी रहता है ऑडिट ऑफिस है ऐसे लगता है ना, ये डब्ल्यूबीओएसओ काम कर रहे तो है ना, फिर इनको लगता भी ये बात नहीं सुनते है ना, कोई किसके लिए नहीं इसके लिए सब डिविजन ऑडिट में गया तो यू विल गेट कोडेड में भी दुनिया मिलेगा, नहीं सर तीनों सब डिविजन में एक एक है, एपीएम मेरे फाइनेंशियली हमें पे बना देते हैं एक एक बना के, हां ज्यादा नहीं फिर वो क्या है, फिर उनको समझ में आ जाएगा ठीक है, अगर ज्यादा तीन बात करेंगे नई बात नहीं मानेंगे, ये पॉइंट से भाई तुम्हारे ईएनएम के तुमको लगना चाहिए कि हां ये अपना कुछ कर सकते हैं, इनको ये लग रहा है इनको कोई मतलब नहीं अपना क्या करेंगे, अभी तक ये सोच रहे हैं अपना लोग, ये सोच की है देखो मैं मेरा हालत क्या है बोलते, इससे पहले बहुत प्रॉब्लम था, बहुत मेरे को अपना घर को झाड़ू मारने में टाइम लगा, आरएनडी में किधर टाइम है भाई, लिखने में ऑब्जर्वेशन लिखने में टाइम किधर है, टाइम यही है, वही आता है 3 साल से पेंडिंग है, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है 3 साल से, तू आप क्या किए भाई 3 साल से सो गए क्या, अभी हम केक क्यों कह रहे हो भाई, भाई आने के बाद यार और क्या, पहले मैडम थी लेडीज से क्या बात करते हैं, अच्छा लेडीज, अरे लेडीज से बात, मेरे से तो बात करते हैं आप जोर से ये कोडेड है ना, कोडेड में भी अपन जो बुक करने का टाइम है ना, ये लोग यही केस है, कितना अमाउंट हुआ उसमें वो सारा चेक करना, ये केस है अभी आपका है ना रुचन, वो केस में अगर आरएआर का टाइम में ही देखे तो वो अवॉइड कर सकते थे, 8:30 में बुक हुआ ना, वो आरएआर का टाइम में ही अवॉइड देखे तो अवॉइड होता था, ये उसमें अपना रोल नहीं है, बिकॉज एक्सपेंडिचर किसमें कौन सा काम में वो कौन किया उसको ही मालूम है, पर अलग अलग कोडेड है तो सर वो कैपिटल वर्क भी रहता है, स्पेशल रिपेयर का भी रहता है, तीनों को बढ़ा के भेजते हैं ना, एडमिन अप्रूवल में इसमें रहता है स्पेशल रिपेयर्स एंड कैपिटल, तो सारा एक काम तो होगा तभी अलग अलग है ना, हाँ। नहीं तो वो टाइम में अपन रोक सकते थे इधर, क्यों मत इससे पहले क्या होता था बोलते, लिटरली मैं स्टार्टिंग में आने के बाद सीए को भी सबमिट नहीं करता, ये क्या है सीए नहीं है, सीए क्यों साथ बोले, सीए क्यों नहीं भाई, सीए रहता है मेरे पास रहा नहीं तो नहीं तो ये सब अवॉइड होता था ना भाई, अपना लोग भी फंस गए इसमें, ये क्लास में अपना लोग भी फंस गए, बाकी का कुछ अपना सिर पे नहीं आता है, कुछ भी फर्स्ट आता है, फर्स्ट का आता है,
अगर ये पहले से देखना शुरू किया तो ये अवॉइड होता था ना। अभी अपन लेखन कैसे भी लिखना पड़ेगा, क्यों बोलते हो? फाइनल बिल मेन ऑफिस को जाना ही है। अब ये सब मुद्दा है, आप भी नहीं दिए कि सी एस सूची दी, आप कैसा पास किए बोलेगा, वो बोलेगा ना वही सर मैं हाँ ये आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सीए में 3 आदमी का अप्रूवल रहता है, 3 आदमी का अप्रूवल ये देखना है, ईच आदमी का अप्रूवल। रूल में बोलता है शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आदमी का अप्रूवल बोलता है, सीए नहीं बोलता है, सीए नहीं बोलता है रूल में 10% ऑफ द आदमी का अप्रूवल ही बोलता है। अगर तीन है बोले तो किसमें ज्यादा है, अपन जो लिखे एक का ही दिए, उसमें और दो भी है उसका नहीं दिए ना, 10% ऑफ द एडमिन अप्रूवल, इसमें रिवाइज एडमिन अप्रूवल था। और टोटल सीए का तो जा ही नहीं रहा था ना। हाँ टोटल का नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा था, नहीं जा रहा, सीए से कम ही है। और क्या है, हाँ एडमिन अप्रूवल 2020 में हुआ भाई, फर्स्ट 30th जून वर्क शुड कमेंस विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिन अप्रूवल। वर्क भेज दिया BSO ड्यूरिंग स्क्रूटिनी ऑफ द RAR फाइनल बिल्स एंड ऑब्लिक CA, इट इज ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द वर्क्स हैज नॉट कमेंस्ड विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिन अप्रूवल एंड द एक्शन हैज नॉट बीन फाउंड इनिशिएटेड फॉर ऑब्टेनिंग रिवाइज्ड एडमिन अप्रूवल बाय द कंसर्न सब डिविजन्स रिजल्टिंग इन ऑब्जर्वेशंस एंड बैक रेफरेंस फ्रॉम द हायर ऑडिट अथॉरिटीज द अबव सिचुएशन इज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ DWP मीन्स आप रूल को फॉलो नहीं हो रहे इसलिए ऐसा हुआ, पूरा ओलग के ऊपर ही अपना जो रूल कौन फॉलो होना है भाई, अपन वाचडॉगी है फॉलो होना है वो रूल कौन, इसमें रूल लिखा है इफ द वर्क इज नॉट कमेंसड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिन अप्रूवल, रूल बोलता है आर रिवाइज्ड एडमिन अप्रूवल फ्रॉम CFA एज पर डेलीगेशन ऑफ पावर शुड बी टेकन। इसमें हम भी लिखे और एक पॉइंट भी लिखा, दिस ऑफिस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ DWP, हम आप रूल फॉल नहीं हुए तो हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सो इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ DWP इट इज एडवाइज टू रिव्यू द केसेस वेयर द वर्क हैज नॉट बीन कमेंसड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिन अप्रूवल एंड एक्शन मे बी इनिशिएटेड फॉर ऑब्टेनिंग रिवाइज्ड एडमिन अप्रूवल। आपके बीच में दो तीन आए तो भेज दिया ना बनने वो दो दस सब क्यों बोले तो भाई, ये पुराना केसेस है ना, अभी देख रहे पुराना केसेस भी कवर कर रहे वो लोगों का गलती को भी पैच वर्क शुरू कर रहे बिकॉज बाद में आप नहीं बोले बोलेगा वो, हम बोलने का जरूरत नहीं, सर्कुलर 2-3 इश्यू किए कंटिन्यूसली एवरी मंथ एक जाएगा उसके बाद 2 मंथ्स को एक बार जाएगा। अभी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंस एडमिन अप्रूवल वर्क कमेंस होना है वो भी RAR का टाइम में देखना है। अगर नहीं दिए तो क्या होता है ना, बिल रोकेंगे नहीं, रिटर्न करेंगे, रिप्लाई लेंगे, आपका केस में अभी है ना, अभी रिटर्न चैलेंजर बिल रिटर्न करेंगे, रिप्लाई लेंगे, RAR पास रोक नहीं सकते, पास करना है पास करना, वो बोलेगा RAR है भाई आप पास करो हम फाइनल बिल तक लेके आएंगे बोल के बोलेगा नहीं करना है, बाद में एक काम आएगा सजेशन डाल देना है लेकिन क्लियर करके डालना है, मतलब उसका रिप्लाई दे दो उसके बाद फाइनल बिल। फाइनल बिल में ज्यादा कुछ नहीं वही चीज है वो RAR की वाली रिपीट होगी बस। हाँ
एमबी देखना है, एमबी में जीएबी कॉन्ट्रैक्ट ये सारे साइन, डिवीजन यूनिट अकाउंटेंट का सीए एक बार देखना है, ओरिजिनल वर्ड से जो है था ना। हाँ ये भी वगैरह सब चेक कर दे। देखो मैं क्या होता है बोलता हूँ, अभी मैं पुराना एक्सपीरियंस जीए कंचन बाग का बोल रहा हूँ, फाइनल बिल आया था ओरिजिनल वर्क का 1 करोड़ का, उसमें एक क्लास था कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट होने के बाद 15 साल का स्ट्रक्चरल गारंटी देना है। गारंटी रिटर्न में देना है बिल्डिंग के लिए 15 साल का स्ट्रक्चरल गारंटी। 15 साल तक उसको कुछ होना नहीं, जो हो गया तो उसकी जिम्मेदारी। अपना क्या, वो कुछ भी होने दो यार, अपना अपना मतलब क्या है, जिधर सीए में है ना गारंटी बोल के रहता, वही गारंटी किधर है बोल के देखते जा रहा, बस उतना ही। बस हाँ उस पर साइन किया कि नहीं दिया, इधर है ना इसका देना है, कंपल्सरी है देना है। उसमें क्या होता है बोले तो देखो, प्रॉमिसरी नोट। अच्छा इसमें प्रॉमिसरी नोट बोलता है, बॉन्ड पेपर स्टैंप स्टैंप जैसा स्टैंप पेपर ऊपर देना बोल के क्लास था, मैं रिटर्न किया वो, उसमें फाइनल बिल का 5 लाख था लगभग, रिटर्न ये क्लास लिख के रिटर्न किया, और दो था ये भी लिखा, वो आया कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत बड़ा अभी कैसे लिख सकते हैं फाइनल बिल का टाइम में बोलता है, सीए स्क्रूटिनी का टाइम में लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है बोले किधर भी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं, कभी भी, कभी भी जब जब पकड़ में आया जब भी चोर है। आर्गुमेंट किया नहीं, मैं माना नहीं, वो जीए डिस्कशन को बुलाया, एजी को बुलाया, नहीं साहब मैंने मान लिया, लेट इन ड्यू, वो स्ट्रक्चरल हाई नहीं मेरे को मतलब नहीं, मेरे को बॉन्ड वो गारंटी बॉन्ड होना है, सही है बॉन्ड देना दो सर, मैं फॉरवर्ड करूंगा, नहीं तो बिल फॉरवर्ड भी नहीं करूंगा बोला, फॉरवर्ड भी नहीं किया मैं। आया आज तक भी 1 साल हुआ, 1 ईयर 2 मंथ्स हुआ, 14 मंथ्स अभी तक वैसे बिल वैसा ही है। मानो सर ये नहीं देगा गारंटी, नहीं दे और बिल पास कर दे और कुछ हो जाए तो ऑडिट होगा बाद में, ऑडिट में पकड़ा जा सकता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है ना पोस्ट ऑडिट में, बिल्डिंग माल कुछ भी बनाया वो गिर जाए कुछ भी हो जाए और बिल पास हो जाए, अपन भी आ जाएंगे रडार में, वो गिरने तो भाई अपन से मतलब नहीं, अपन तो कॉन्ट्रैक्टर दिए, कॉन्ट्रैक्टर को तो गारंटी दिया ही नहीं ना, तो कॉन्ट्रैक्टर तो बच जाएगा, तो ज्यादा पहली गलती प्रॉब्लम का हमने चेक करके नहीं लिया। देखो पहला गलती उसका ही है, उसके साथ उसका गिर गया तो उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं ना गारंटी के हिसाब से, और वो दिया ही नहीं बॉन्ड ही नहीं दिया तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। क्यों बोल, मुश्किल क्या, बहुत इम्पॉसिबल है उसको, क्या है तो ये लोग का सिस्टम में अपना सिस्टम में बहुत अंतर रहता है, वो लोग भी फंस गए समझ लो, ऐसा है उनका तो हर काम ही फंसने जैसा ही है। देखो वो लोग क्या है ना, वो लोग सिस्टम ही ऐसा है, क्यों बोलते वो फंस गया, ओवर वाले 10 लाख दे दो अपना लोग ऐसा नहीं ना मारता है, मिल गया पकड़ लिया छोड़ता नहीं अपना लोग, सही बात है, वो लोग का सिस्टम अलग है, ये लोग का सिस्टम अपना सिस्टम अलग है, इसमें वो गिरने दो भाई कुछ भी होने दो, सीए में है, मैं मेरे से नहीं बोल रहा हूँ ना, सीए में है इसलिए लेना ही पड़ेगा। ये कौन सा मैं रहता होता अडविन अप्रूवल रहता ना उसमें देखना,